on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं मानसी और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, हर खबर आप तक। कोरोना के इस काल में जहां देश में है लॉकडाउन, वहीं दूसरी ओर देश में मनाई जा रही है ईद। लॉकडाउन के चलते जहां सारे धार्मिक स्थल हुए बंद, तो वहीं सरकार ने मुस्लिम भाई बहनों से की है अपील कि वो अपने घर से ही ईद की नमाज अदा करें। नमस्कार, मैं मोनिका भारद्वाज, आपके एरिया उत्तर जिला की DCP आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले आप सबको ईद की बहुत मुबारकबाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना महामारी की वजह से सारी मजहबी जगह बंद हैं। मौलवी, इमाम और मौजिद लोगों ने भी आप सबको बताया है। मैं भी आप लोगों से अपील करती हूँ कि इस बार अपने घर में रहकर पूरी मशर्रत के साथ ईद मनाएं, लेकिन केवल अपने परिवार के साथ घर में ही नमाज अदा करें। यह हमारी आने वाली नस्लों को सुरक्षित रखने के लिए एक कदम है, ताकि आने वाले दिनों में वो पूरी खुशियों के साथ ईद मना पाएं। ईद के इस मुबारक दिन कानून के साथ वर्जी करके गुनाह ना कमाएं। एक बार फिर से ईद मुबारक, जय हिंद। ये ईद बेहद ही खास और बेहद ही अलग रंग ढंग वाली है, क्योंकि इस ईद में करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। सरकार ने ईद के लिए पहले ही कई गाइडलाइन जारी करी, जिसमें हाथ मिलाना और गले मिलने की मंजूरी नहीं दी गई है। ये ईद सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना को ध्यान में रख के ही मनाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के जामा मस्जिद में आज बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला, जिसमें सिख समुदाय के लोग कर रहे हैं जामा मस्जिद को सैनिटाइज, और इतना ही नहीं, वो मंदिर और चर्च को भी कर रहे हैं सैनिटाइज। यही खूबसूरती भारत को हर देश से अलग करती है, और ये एक खूबसूरत उदाहरण है। यकीनन इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि हमें कोरोना के साथ ये जंग काफ़ी लंबी लड़नी है। कोरोना काफ़ी लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाला है। इसी के साथ साथ हमें अपने तौर तरीकों में भी बदलाव करने की आवश्यकता है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए दिल्ली दस्तक। मैं मानसी, धन्यवाद।